जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में एबीवीपी की ओर से 5 सूत्री मांगों को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ विरोध किया गया, जिसके बाद एबीवीपी के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी के प्रांत मंत्री होशियार सिंह मीणा ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार का रवैया छात्र हितों पर कुठाराघात करने जैसा है, इसलिए एबीवीपी ने स्वर्ण सवर्ण वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने सहित अनेक मांगों को लेकर के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सज्जन सैनी, रामकेश मीणा, निकिता शेखावत सहित कई छात्र नेता मौजूद रहे। हम लोग यहाँ पर केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिया था, वो यहाँ की राज्य सरकार ने, येलो सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी तक निचले स्तर पर लागू नहीं किया है। आपने इसी विश्वविद्यालय में खड़े होकर 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, आप 33 लाख युवा बेरोजगारों के साथ में धोखा किया है, जिनके साथ में आपने छलावा किया है, एक तरह से कह सकते हैं। आपने उनके खातों में अभी तक 3500-4000 जो राशि थी वो नहीं पहुंची है, ना ही आप लोगों ने उसमें भी आपने छटनी कर दी, उसके बावजूद 70,000 लोगों को लिए आपने बोला कि 70,000 के खातों में ये जरूर से जरूर ये बेरोजगारी भत्ता जाएगा, वो भी नहीं पहुंचा। तीसरी मांग है कि आपने शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया, आपने सरपंची में 10वीं पास योग्यता जो लागू की थी उसको आपने हटा दिया। आप क्या चाहते हैं, आप इस देश में ऐसे अशिक्षित लोगों को, ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं? देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।